हरे भरे पहाड़, कल कल करता नदी का नीला पानी और चारों ओर फैली खूबसूरती। ये तस्वीरें कैमरे की लेंस से जितनी शानदार लगती हैं, उतनी ही भयावह यहाँ की सच्चाई है। तस्वीरें उत्तरकाशी के सियुणा गांव की हैं। यहाँ ग्रामीण आज भी जान जोखिम में डालकर भागीरथी नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इन ग्रामीणों के लिए नदी पर बनाए गए ये पुलिया ही फिलहाल आवाजाही का सहारा है। ग्रामीण किसी अनहोनी से बचने के लिए इस इलाके में सालों से एक पुल की मांग कर रहे हैं, मगर आज तक किसी ने इनकी एक भी नहीं सुनी, जिसका हाल ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। पुल लगाया हम लोगों ने अपना भी इसमें लकड़ी दुकड़ी जो भी लगाया हमने अपना खुद काम किया, इसमें पुल लगाए कि 2-3 महीने बाद ही भेजाएगा। जब यहाँ से डैम खुलते हैं तो यहाँ से ये पुल भेजाता है। कुछ लोगों को, महिलाओं को, स्कूल बच्चों को, उनको बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत परेशानी है, उनको सुबह पकड़ के लाना पड़ता है, पकड़ के ले जाना पड़ता है। ये भी ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है, जो 1 से 1.5 महीना उसके बाद पानी बढ़ जाता है तो ये भी भेजाता है। एक तो ट्रॉली लगाई DM सर ने, उसको खींचने में भी 1-2 के तो काफ़ी हाथ कटे हैं और खींचने में भी काफ़ी टफ होता है। यहाँ से कम से कम 0.5 किलोमीटर भी है यहाँ से चलने के लिए। वहाँ से जब सामान सामान लाने, पैदल में तो आदमी चले जाता है, जब सामान सामान लेके काफ़ी दिक्कत हो जाती है तो हम ये पुल भी लगाते हैं। इधर जैसे हम तो चले जाते हैं, जैसे बूढ़े लोग रहते हैं ना, उनको हम खुद आना पड़ता है तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है हमारा, वो अकेले ऐसे नहीं आ सकते हैं। और हम बहुत दिक्कत में हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, ना कोई संतरी करता है, ना कोई विधायक करता है, ना कोई मंत्री करता है। हम जो है बहुत परेशानी में हैं, एकदम हमारा गांव वीरान पड़ा हुआ है और हम कई बार यहाँ हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बाज़ार जाते हैं लोग काम धंधा करने के लिए, कई चीज़ें अब हमारी रिश्तेदारी है, कई चीज़ें हैं, हमको बहुत दिक्कत होती है यहाँ वार पार करने में। और हमें अगर यहाँ पुल न यहाँ ये पुल नहीं लगेगा तो हमें कई किलोमीटर जो है घूम के आना पड़ता है। बता दें कि सियुणा गांव जिला मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है, मगर सुविधाएं फिर भी यहां से कोसों दूर हैं। जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर इस इलाके में पुल के साथ ही गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भी बदहाल है। ऐसे में यह अस्थायी पुल ही इन ग्रामीणों का एकमात्र सहारा है। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं हो, मगर सब कुछ जानकर भी जिम्मेदार मौन है, जिसका खामियाजा यहाँ की भोली भाली जनता को जान जोखिम में डालकर उठाना पड़ रहा है। ETV भारत के लिए उत्तरकाशी से सूर्य प्रकाश नौटियाल।